तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला, चार्जेज लेने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जब भी आप फोनपे वगैरह, पेटीएम या गूगल पे वगैरह एप्लीकेशन को यूज़ करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर करते हो ना, तो यूपीआई के थ्रू ही होता है ये, और ये बिल्कुल फ्री होता है। पर अब अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं, तो 1 मई से अगर आप यूपीआई को इस्तेमाल करके, यानी कि फ़ोनपे पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करोगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, शुल्क देना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, पहले 30 ट्रांजेक्शन तो आपके फ्री होंगे, और उसके बाद जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। 1000 रुपये तक ट्रांजेक्शन करते हो तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2.5 रुपये आपके कटेंगे, 1000 रुपये से ज़्यादा करोगे तो 5 रुपये आपके कटेंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक यूपीआई उपयोग पे शुल्क लगाने वाला पहला बैंक बन गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 2003 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरपर्सन कौन है, प्रकाश आप्टे। इसकी टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। अच्छा, देखो, बैंक से याद आया, मैंने आपको कल ही बताया था कि 1 अप्रैल को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय यानी कि मर्जर हो जाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा संपत्ति के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और पहला कौन सा है, SBI, दूसरा है HDFC, और तीसरा कौन सा हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, कोटक महिंद्रा तो प्राइवेट बैंक है ना गुरुजी, और जब भी प्राइवेट बैंक आता है तो आप हमें टॉप 3 प्राइवेट बैंक बताते हो। तो पहला है HDFC, दूसरा है ICICI, तीसरा है एक्सिस बैंक, और चौथा भी देख ही लो, यस बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो लगातार तीसरे साल ICC टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता रही है इंडिया, भारत। अच्छा गुरुजी, भारत तो टॉप रहा है, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है ये भी तो बताओ। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है और थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका रहा है। आपको याद रखना है फर्स्ट पे कौन है, हम हैं। बात हुई है ICC की, तो फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में, चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर है। और कल ही मैंने आपको बताया था CEO कौन बन गए हैं, मनु सानी बन गए हैं। अच्छा चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि अभी जो ICC वर्ल्ड कप होने वाले ना 2019 के 30 मई से 14 जुलाई तक, वो कहाँ पे होंगे? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपकी बारी, बताओ। इंग्लैंड और वेल्स में। अच्छा कौन सा एडिशन होगा ये बताओ, 12वां एडिशन होगा। चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया। आप मुझे बताओ 2015 के वर्ल्ड कप कहाँ पे हुए थे? तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी, न्यूजीलैंड हार गई थी। अच्छा वो कौन सा एडिशन था? अरे क्या गुरुजी, अभी 2019 वाला 12वां एडिशन है, तो 15 वाला 11वां एडिशन होगा, सिंपल। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? बताया ये भी मैंने आपको, इंडिया में होगा। और कौन सा एडिशन होगा? अरे क्या यार गुरुजी, अभी बोला ना 2019 का 12वां एडिशन होगा, तो 2023 का कौन सा होगा, सिंपल 13वां एडिशन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्री 2019 किसने जीत ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी हाल ही में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कौन, लुइस हैमिल्टन ने फिनलैंड के वोल्टेरी बुटास को हरा करके बहरीन ग्रैंड प्री 2019 जो Formula 1 रेस है उसको जीत लिया है। यानी कि पहले नंबर पे कौन आ गए हैं, लुइस हैमिल्टन। अच्छा किस कंपनी की कार ये चलाते हैं, तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे नंबर पे वोल्टेरी बोटास है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पे चार्ल्स लेक्लर है, फरारी के ड्राइवर हैं। और याद रखना फरारी के जितने भी ड्राइवर हैं उसमें सबसे कम उम्र के ये ड्राइवर हैं जो कि विजेता रहे हैं, यानी कि टॉप 3 में आ गए हैं। अच्छा मैंने कहा सेकंड नंबर पे कौन रहे, वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर। तो इनके नाम से कुछ याद आया आपको? ये नाम स्पेशली मैंने आप लोगों को याद कराया है, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे तो 20 मार्च का भी आपने देखा होगा, वहां मैंने आपको 2019 की पहली Formula 1 रेस कौन सी, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक के बारे में बताया था, और जिसे जीता था मर्सिडीज के ड्राइवर वोल्टेरी बोटास ने, याद आया। और मैंने आपको कहा था कि आपके पास अब केवल 10 दिन हैं, मैं गारंटी लेता हूं 10 दिन में आपको ये नाम याद करा दूंगा। तो मैंने आपको पता है लास्ट में जो अपन पजल के 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां इस वोल्टेरी बोटास नाम को क्वेश्चन को जाने कितनी बार रिपीट किया है ताकि ये नाम आपको याद हो जाए, और मैं गारंटी लेता हूं आपको नाम याद भी हो गया होगा। अच्छा गुरुजी 10 दिन ही क्यों?
तो मैंने आपको कहा था कि 1 अप्रैल तक आपको बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर के नाम भी मिल जाएंगे। फिर हमें वो भी याद रखना है, तो फटाफट 10 दिन में वोल्टेरी बोटास का नाम याद रख लो और ये घोट के भी जाओ। तो अब याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019, तो उसका आंसर देना वोल्टेरी बोटास, मर्सिडीज के ड्राइवर ने वो जीती थी। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीती, तो लुइस हैमिल्टन ने जीती, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। अच्छा देखो, अब फिर 10 दिन का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, दोनों नाम आप रट डालना, नहीं रट डालोगे तो मैं रटा दूंगा। क्योंकि 16 या 17 अप्रैल को एक और फॉर्मूला 1 रेस के हम विनर के नाम याद करेंगे, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स आने वाली है, उसके विनर के नाम 16 या 17 तक आ जाएंगे। तो आप तो मुझे जानते ही हो, बस एक बार आप याद कर लो, बाकी भूलने मैं नहीं दूंगा। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीती, लुइस हैमिल्टन ने, किस कंपनी की कार के ड्राइवर है, मर्सिडीज, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में अर्थ आवर डे 2019 कब मनाया गया। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30 मार्च को। तो अभी हाल ही में 30 मार्च को दुनिया भर में अर्थ आवर डे के रूप में मनाया गया है। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो दुनिया भर के ज्यादातर देशों में 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। बेसिकली बिजली बचाने के लिए ऐसा किया जाता है और प्राकृतिक के महत्व के बारे में सबको जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस साल के अर्थ आवर डे की थीम आपको याद रखनी है, क्या है, #ConnectToEarth। अच्छा गुरुजी, इसमें से और क्या प्रश्न बन सकता है। देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये अर्थ आवर डे किस संस्था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो फिर आंसर क्या होगा, WWF। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड, और इसने 2007 में इसे मनाना शुरू किया था। देखो 2007 में शुरू किया था और अभी चल रहा है 2019, यानी कि आप कह सकते हो ये इसका कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण है। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, 30 मार्च 2019 को हमने मनाया अर्थ आवर डे। इसमें 180 देशों ने रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रखी, यानी कि 1 घंटे के लिए। थीम क्या थी, #ConnectToEarth। कौन मनाता है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, और ये इसका 13वां एडिशन है। अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। कम से कम राजस्थान वाले तो बच्चे बताओ, हर साल 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं गुरुजी, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपनी पहली आगंतुक गैलरी, इंग्लिश में बोलेंगे तो व्यूइंग गैलरी, कहाँ पे खुली है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा में। तो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना, तो उसे देखने के लिए इसरो ने श्रीहरिकोटा द्वीप में 5,000 लोगों की कैपेसिटी वाली एक गैलरी खोली है, ताकि लोग वहां पर आकर के उसको देख सकें। देखो, मैंने आपको परसों ही बताया था कि एमिसेट नाम की जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया था, और तभी इस गैलरी को भी खोल दिया गया था। अच्छा, बात हुई है इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चेयरपर्सन कौन है, के शिवाने। याद रखना, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के शिवान को ही जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया रेलवे ग्रुप डी में। मोटो क्या है इसरो का, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, अभी रेलवे ग्रुप डी की बात हुई है, तो एक और प्रश्न बताता हूँ। पूछा गया था इंडिया का पहले सैटेलाइट का नाम क्या है, तो याद रखना आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो फिर आंसर क्या दोगे, राकेश शर्मा। अच्छा, अभी किसी एक स्टूडेंट ने बताया था कि उनके एग्जाम में आया था कि इसरो के फाउंडर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, विक्रम साराभाई थे। अच्छा देखो, बात हो रही है स्पेस की, अंतरिक्ष की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और अभी करंट की ताजा खबर क्या चल रही है, मिशन शक्ति अभियान। इसके बारे में मैंने आपको 28 फरवरी के वीडियो में डिटेल में बताया था, वहां का करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, नहीं देखा है तो। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ है क्या ये मिशन शक्ति अभियान। इसमें एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिशन के द्वारा हमने हमारी जो लोअर ऑर्बिट की सैटेलाइट थी ना, उसको फोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। और इस तरह से सैटेलाइट को फोड़ने, नष्ट करने के मामले में दुनिया के हम 4थे देश बन गए हैं। ये था मिशन शक्ति अभियान। अच्छा देखो, इसके अलावा इसरो से आपको गगनयान मिशन का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको कई बार बता रखा है, क्या है गगनयान मिशन गुरुजी, एक बार फिर बताओ। 3 लोगों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कब तक गुरुजी, दिसंबर 2021 तक, और कहीं कहीं जगह ये 2022 भी लिखा हुआ है मोटा मोटा। भाई दिसंबर आ गया 2021, तो 2022 मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ, मैंने आपको दोनों बता दिया। और याद रखना, अगर गगनयान मिशन में हम सफल हो गए ना, तो दुनिया के 4थे देश बन जाएंगे इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले। और मैंने आपको शायद फरवरी या मार्च में ही आपको बताया था
कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इस गगनयान मिशन के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की गई थी, का उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन किसने किया था गुरुजी? इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने। याद आ रही है चीजें? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेलसेन ने। तो अभी हाल ही में इंडियन ओपन 2019 जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो अभी 26 मार्च से 31 मार्च तक खेला जा रहा था, तो उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने। अच्छा गुरुजी ठीक है, ये इंडियन ओपन 2019 जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट है, आप ये बताओ ये खेली कहां पे जा रही थी और इसमें विक्टर ने किसको हराया है? तो ये नई दिल्ली में खेला जा रहा था और इसमें डेनमार्क के विक्टर ने भारत के शटलर किदांबी श्रीकांत को हराया है। अच्छा देखो बैडमिंटन से याद आया, 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप याद आई आप लोगों को? कहीं बार मैंने आपको इसका रिवीजन कराया है। चलो एक बार फिर मैं आपको रिवीजन कराता हूं, जिनको याद है मेरे साथ बोलना। सबसे बेसिक प्रश्न, ये जो 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये हुई कहां पे थी? आसाम के गुवाहाटी में फरवरी में हुई थी। इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? साइना नेहवाल ने, किसको हराकर? पीवी सिंधु को हरा करके। अच्छा मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? सौरभ वर्मा ने, किसको हराया था? लक्ष्य सेन को। याद रखना साइना नेहवाल आपकी जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब भी जीत चुकी है। अच्छा देखो यहाँ पे पीवी सिंधु से मुझे याद आ रहा है जो आपका एरो इंडिया 2019 जो एयर शो था ना, कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में, अभी फरवरी में हुआ था ये 21 या 23 तारीख को। तो उसमें तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बन गई थी? पीवी सिंधु। आपको याद होगा कई बार मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपका रिवाइज करा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल इंडिया के प्रमुख यानी कि हेड ने इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजन आनंदन। तो अभी हाल ही में गूगल इंडिया यानी कि गूगल के भारत में प्रमुख कौन? राजन आनंदन ने 8 साल गूगल में काम करने के बाद गूगल से इस्तीफा दे दिया है। तो अब जब तक गूगल इंडिया के नए प्रमुख हेड नहीं बन जाते हैं, कोई अपॉइंट नहीं हो जाते हैं, तब तक इंतरिम हेड के रूप में विकास अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। देखो मैंने क्या बोला, विकास अग्निहोत्री इंतरिम हेड के रूप में काम करेंगे। इंतरिम मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जब तक मेन बंदा नहीं आ जाता तब तक के लिए आप काम संभालो। तो याद रखना राजन आनंदन गूगल के हेड थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा ऑप्शन ए क्या है? नरेश गोयल। आपको बताया था मैंने मार्च में ही जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था नरेश गोयल ने। ऑप्शन सी क्या है? गफूर रहीमोव। कुछ ही दिन पहले बताया था AIBA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था गफूर रहीमोव ने। ऑप्शन डी क्या है? अजीत कुमार मोहंती। बार्क के नए प्रमुख हेड बने थे कौन? अजीत कुमार मोहंती। अच्छा गूगल की बात हुई है तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। फाउंडर कौन है? लेरी पेज और सर्जी बिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में और CEO इंपॉर्टेंट नाम है सुंदर पिचई। अच्छा गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो आंसर याद रखना अल्फाबेट है। अच्छा पेरेंट कंपनी से हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? जब भी मैं आपको पेटीएम की बात होती है बताता हूँ, तो अब बताओ 197 कम्युनिकेशन। अच्छा गूगल से मुझे याद आया, बोलो ऐप लॉन्च की थी गूगल ने, पता है आपको? इसके अलावा स्टेडिया नाम का एक वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, टॉप पे रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो भारत सरकार के ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2018-19 में तेलंगाना स्टेट ने 20,000 से ज्यादा फील्ड स्टाफ को ई लर्निंग यानी कि डिजिटल लर्निंग की ट्रेनिंग देकर के पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये लगातार दूसरी बार है जब DOPT पहले स्थान पे रहा है। अच्छा DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये तेलंगाना स्टेट का ट्रेनिंग विभाग है। अच्छा बात हुई है तेलंगाना की, तो ये रहा तेलंगाना। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, और ये आपका 29th नंबर का स्टेट है। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है ESL नरसिम्हा, CM कौन है? मुख्यमंत्री है K चंद्रशेखर राव। अच्छा याद रखना IIT हैदराबाद BTech स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ब्रांच देने वाला हमारे देश का तो पहला और पूरे विश्व का 3rd नंबर का इंस्टीट्यूट बना था, ये जनवरी या फरवरी में मैंने आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 अप्रैल को। ऑटिज्म मतलब हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्रीयता। तो हर साल अप्रैल की 2 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में। एक्चुअली ऑटिज्म, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आत्म केंद्रीयता, तो ऑटिज्म की समस्या के बारे में जागरूकता लाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा गुरुजी, ये ऑटिज्म की समस्या क्या है और सबसे पहले इसे कब मनाया गया था ये बताओ। तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अच्छा ऑटिज्म है क्या? तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है, मतलब ऑटिज्म के शिकार बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि आपकी बात, अगर आप उनसे बात करोगे, ऑटिज्म से शिकार जो बच्चे हैं, पीड़ित जो बच्चे हैं, वो आपकी बातों का रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे। किसी अगर चीज को देख रहे हैं तो फिर वो देखते ही रहेंगे और चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो बस इसी के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखो, इस बार इसकी थीम भी है। थीम क्या है? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, हिंदी में बोलेंगे तो सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। तो देखो ये है आपके अप्रैल का पहला इंपॉर्टेंट डे, इसे आप याद रखना, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अच्छा वैसे 1 अप्रैल को भी हमने ओडिशा राज्य दिवस के रूप में मनाया था, वो भी आप याद रखना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ध्वनि आधारित वित्तीय लेन देन लॉन्च किया है, मतलब वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड के जो कस्टमर्स है ना, उनको वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस ने गूगल के साथ साझेदारी की है। मतलब इसमें होगा क्या, आपको यानी कि रिलायंस म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स को बोलने वाला इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से आप यहां से बोल करके अपना कुछ क्वेरी पूछोगे और उधर से आपके प्रश्न का उत्तर भी आवाज में आएगा, जिसे आप सुन सकोगे। तो इस तरह से बोल बोल करके आपकी वित्तीय सहायता की जाएगी, आप अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। और भारत में ऐसा वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहली बार लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कौन ने करा है लॉन्च? तो रिलायंस ने करा है। अच्छा रिलायंस से मुझे याद आया, रिलायंस के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। और आप जानते ही हो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है? मुकेश अंबानी है। लेकिन आपको याद होगा मार्च में और फरवरी में मैंने आपको 2 रिपोर्ट बताई थी। एक तो बताई थी 8 मार्च को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे थे, कोई बता सकता है क्या आपको? इसे 13वें स्थान पे थे। और फरवरी में मैंने आपको बताई थी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में कौन से स्थान पे थे? 8वें नंबर पे थे। तो देखो बात दोनों में मुकेश अंबानी की हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग लिस्ट है और दोनों में अलग अलग नंबर है मुकेश अंबानी का। मैंने उस वक्त भी जोड़ दे के आपको याद कराया था। अच्छा टॉप पे बात करेंगे तो टॉप पे तो दोनों लिस्ट में कॉमन ही है, अमेज़न के जेफ बेजोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट नामक फीचर किसने लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक ने। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट। इसका मतलब यह है कि अब फेसबुक यूजर है ना, न्यूज फीड में जाकर के कोई भी पोस्ट या कोई भी विज्ञापन पे लिंक करके ये जान सकेंगे कि उन्हें ये दिखाया क्यों जा रहा है। अच्छा देखो कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने भारत में जो चुनाव होंगे ना, उसके लिए 2 उपकरण 2 टूल लॉन्च किए थे। क्या आप उनका नाम बता सकते हो? कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर टू वोट। ये भी आप याद रखना। देखो फेसबुक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया है, स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। और याद रखना गूगल का भी यहीं पर है, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे मैंने आपको। सीईओ और फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। अच्छा देखो अभी 26 मार्च को ही फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर इंडिया समिट भी आयोजित की थी। कहां पे की थी? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बोलीविया। अच्छा आपको पता है ना, अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 देशों की यात्रा पर थे। कौन कौन से? क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। तो इसी यात्रा के दौरान जब वो बोलीविया गए थे, तो बोलीविया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 74 नंबर का देश बन गया था। अच्छा क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इससे पहले 73 नंबर का देश कौन सा था? तो आंसर होगा सऊदी अरब। जब आपको पता होगा पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके 1 दिन बाद ही मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ने वाला 73 नंबर का कंट्री बना था।
और 72 नंबर का कौन सा बना था? अर्जेंटीना। आपको पता होगा अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अपने बीवी बच्चों के साथ इंडिया आए थे, तब मैंने आपको बताया था। तो आपको लेटेस्ट याद रखना है, बोलीविया 74 नंबर का कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला। अच्छा देखो, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना, आपको पता है बोलीविया के साथ 8 एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं और उसी एग्रीमेंट में एक पॉइंट ये है कि बोलीविया के पास लिथियम का जो स्टोरेज है ना, उस लिथियम को भारत लेकर के आया जाएगा और फिर उस लिथियम से लिथियम बैटरीज बनाई जाएगी फॉर क्लीन एनर्जी। क्योंकि आपको बता दूं बोलीविया के पास पूरी दुनिया का 1/4 लिथियम है। अच्छा बोलीविया की बात हुई है तो ये रहा बोलीविया। कैपिटल क्या है? सक्रे। करेंसी क्या है? बोलीविया बोलीवियानो। प्रेसिडेंट कौन है? एवो मोरालेस। अच्छा देखो, आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब बोलीविया गए थे तो उनको बोलीविया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में 100 युद्ध पोतों का निर्माण करने वाला पहला शिपयार्ड कौन सा बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, GRAC, मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता। तो आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप में से ज्यादातर ने आंसर को डिटेल में लिखा है। देखो डिटेल में लिखने का मतलब ये हो गया, जैसे क्वेश्चन से आप नहीं बता पा रहे हो क्या लिखें, तो चीजों को लिंक कर करके आप लिख दिया करो डिटेल में, जो भी आपके माइंड में आए, जिस भी चीज को आप लिंक कर सको। देखो आप लिंक करोगे तो आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा, आप लिखोगे तो आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूं पजल के 20 क्वेश्चनों की ओर। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको, देखो आपने नोटिस किया होगा पूरा वीडियो खत्म होने में आया, अभी तक मैंने न तो चैनल का इंट्रो आपको दिया, न कहीं पे लाइक और शेयर आपको बोला, न तो स्टार्टिंग में, न किसी क्वेश्चन के बीच में। इससे मेरा ही नुकसान होता है, लेकिन केवल आपका टाइम वेस्ट न हो इसलिए मैंने ये काम नहीं करा है। तो आप थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं अपनी तरफ से, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको इसे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो आप इसे ईमानदारी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखो आपको वीडियो को लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, अगर इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे लगेगा यार आप लोगों को काम पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखने में मुझे भी मजा आएगा। तो ये रहे आपके पजल के पहले 10 क्वेश्चन, ये रहे अगले 10 क्वेश्चन। जो नए इसे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करना, इधर वन लाइनर क्वेश्चन है, इधर इसके आंसर है। बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उसी तरह से आप सेट करना, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पहले का आंसर मान लो ए आ गया, दूसरे का बी आ गया, तीसरे का सी आ गया। अब जो भी आपकी कोडिंग बनेगी आपको कैसे पता वो सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा जो मैंने पिन कर रखा है आपके लिए, वहां पे आपको आंसर मिलेगा, वहां से अपने आंसर चेक करना, आपके आंसर सही है तो उसी के रिप्लाई में अपना कमेंट कर देना अपने नाम से, ताकि मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने इस गेम को खेला है, कितने लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि इसको मैंने बनाया ही इस तरह से है कि 20 क्वेश्चन को आंसर करने में आपको केवल 20 अल्फाबेट ही लिखने हैं और आप लिख सकते हो ये। अब जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबा लेना, और आप बस 2-4 दिन कंटिन्यूटी बना करके रहो, 5वें-6वें दिन आप अपने आप कह दोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेग जी के ट्रिक्स।